उस समय एनएसएस का प्रभार मुझे मिला हुआ था और राखी का त्यौहार था। हम लोगों को मिला था कि भाइयों को राखी बांधने जाना है, तो उसका पूरा दायित्व मुझे मिला था और मैं 96 में आई थी यहाँ पे राखी बांधने। उस समय भी मेरी आँखें नम थी, आज भी मेरी आँखें नम हुई, कारण बस बड़े भाइयों को की तो कुछ उम्र हो गई, लेकिन छोटे जो मेरे बच्चे जैसे दिख रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा लगा। और गायकवाड़ सर ने एक बार कहा था, बाबरा सर ने भी एक बार कहा था अभी, ये किसी कारण बस किसी परिस्थिति बस या किसी के द्वारा कुछ ऐसा प्रेरित कर दिया जाता होगा जिस कारण से आज आप यहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो व्यवस्थाएं आपको मिली हैं, शायद हमें नहीं लगता कि घर में भी हम इतने अच्छे, मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ, इतनी अच्छी व्यवस्था से हम लोग लड़ेंगे, तो यहाँ से आप सारे सद्गुणों को लेके जाएं और आप समाज में एक प्रेरक की तरह बने। बस यही करना चाहूँगी और आप भाइयों के लिए संपत्तियाँ समर्पित करूँगी दोनों की। बंदी मत है मानिए, बंदी मत है मानिए, आपने एक इंसान बुरे दिनों को भूल कर रखिए साफ ईमान, रखिए साफ गजल पर गजल लिख दिया मुझे।